हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब आई चैनल। थिंक ये तो देखिए डिफेंसिव स्टॉक है। अब कहीं कहीं जहां लोगों को नहीं समझ में आ रहा होता है तो ये थोड़ा सा डिफेंसिव प्ले है। तो गिरते बाजारों में एफएमसीजी, फार्मा और आईटी, इनमें आपको हमेशा थोड़े से आउट परफॉर्मेंस दिख जाएंगे और चलते बाजारों में अंडर परफॉर्मेंस दिखेंगे। बट ऑब्वियस है डिफेंसिव नाम है और बाजार चल रहा है तो बाजार को अंडर परफॉर्म करेगा। बट मुझे लगता है कि भाई देखिए 2100-2200 के आसपास अच्छे सपोर्ट इसको आ जा रहे हैं। अगर आप जब 4-5 साल के चार्ट देखते हैं तो उन एरियाज में इसको सपोर्ट आ जाते हैं। एक ही बार तकरीबन 2000 तक गया था बट बाकी आई थिंक अगर मैं देख रहा हूँ तो तकरीबन 2022 के बाद, मिड ऑफ 2022 के बाद बहुत ज्यादा 2100-2200 के नीचे गया नहीं है। तो थॉट यही है कि भाई क्वालिटी स्टॉक है जिसको लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग करते रहनी है, आई थिंक उनके लिए बढ़िया चीजें हैं। एसआईपी में आप लेते रहिए थोड़ा थोड़ा और लॉन्ग टर्म के लिए आप विजन रखिए तो पैसे थोड़े बहुत लेकिन इंडेक्स रिलेटेड तो बन 2000 ही जाएंगे आपके। बहुत ज्यादा आउट परफॉर्मेंस नहीं आएगी तो अंडर परफॉर्मेंस भी नहीं आएगी, पैसे थोड़े बनते रहेंगे। सर्वेन, जो 2021 में 2800 का भाव इसने लिखाया था, जी उसके बाद से तो नीचे ही है, ऊपर गया नहीं कभी। जी तो मान नहीं, वो तो लीजिए, मैंने वही बोला। देखिए मार्केट आउट परफॉर्म कर रहा है तो डिफेंसिव तो अंडर परफॉर्म करेंगे, ये तो ग्राउंड रूल है। लेकिन मुझे अब लगता है अगर मार्केट में अंडर परफॉर्मेंस आई तो ये थोड़ा आउट परफॉर्म कर सकते हैं बाजार को। इनमें सेफ्टी के लिए पैसा जाएगा, इन सब नामों में सेफ्टी के टाइम पे पैसा जाएगा।